अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। और खबर है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक, केंद्र ने छोटे राज्यों में बचे टीकों को यूपी भेजा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक, केंद्र ने छोटे राज्यों में भेजी है। बचे टीकों को यूपी भेजा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकों को यूपी भिजवाने के लिए निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पिछले सप्ताह केंद्र को पत्र भेजा था, 1 से 2 दिन में प्रदेश में आ जाएगी कोविड की खुराक। कोरोना के मामलों को देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केंद्र को पत्र भेजा था और केंद्र ने छोटे राज्यों में बचे टीकों को यूपी भेजने की बात कही है। अब केंद्र ने मंजूरी दे दी है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पिछले सप्ताह ही केंद्र को एक पत्र भेजा था, तो वहीं अब 1 से 2 दिन में प्रदेश में कोविड की खुराक आ जाएगी। उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा प्रदेश है, बहुत ज्यादा बड़ी आबादी यहाँ पे निवास करती है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी से जुड़ी हुई आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहाँ 10 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक, केंद्र ने छोटे राज्यों में बचे टीकों को भेजा है। अब 1 से 2 दिन में लखनऊ में और प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये खुराक पहुंच जाएगी, यूपी भेजा जाएगा। केंद्र ने ये बड़ा फैसला लिया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकों को यूपी भिजवाने का निर्णय लिया है। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़ चुके हैं। अबू तला, 10 लाख कोविड वैक्सीन आएगी, केंद्र ने मंजूरी दे दी है, 1 से 2 दिन में 10 लाख कोविड वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, किस तरह से देखते हैं? देखिए बिल्कुल शिखा, जिस तरह से चाइना में जो कोविड के अभी हालात है उसको देखते हुए पिछले सप्ताह ब्रजेश पाठक ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय में एक पत्र भेजा था और उन्होंने कहा था जो केंद्र के छोटे राज्यों में वैक्सीन बची हुई है उनको यूपी भिजवाया जाए, क्योंकि देखिए यूपी एक बड़ा राज्य है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी यूपी में जो वैक्सीन है वो है नहीं, लेकिन एक मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक तैयारी जो होती है उसके लिए ही देखिए ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखा था कि जो वैक्सीन है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे यूपी में रहनी चाहिए। और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने देखिए बड़ा निर्णय लिया है और उन्होंने लगभग 10 लाख जो कोविड वैक्सीन है वो यूपी भिजवाने के लिए कहा है, और देखिए 1-2 दिन में ये वैक्सीन जो है ये यहाँ यूपी आ जाएगी। तो देखिए एक बड़ा निर्णय लिया है केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और ब्रजेश पाठक की एक अच्छी पहल भी है, क्योंकि देखिए केंद्र के कई ऐसे छोटे राज्य हैं जहाँ पर जो वैक्सीन है कई लोगों ने नहीं लगवाई थी और बड़ी तादाद में वहाँ वैक्सीन भेजी गई थी और कई जगह वैक्सीन बच गई थी, तो उन वैक्सीन को यूपी मंगवाने के लिए ब्रजेश पाठक ने पत्र भेजा था। अब उनको उस पत्र पर मंजूरी हो गई, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने वापस से जो उनको पत्र लिखकर साफ तौर से कह दिया है कि जो तमाम वैक्सीन बची है लगभग 10 लाख वैक्सीन जो बची है वो यूपी भिजवा दी जाएगी। तो देखिए कि अच्छा निर्णय है केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़े हुए थे।